महाराज जी आप एक श्लोक सुनाइए। नहीं नहीं आप सुनाइए ना, कोई श्लोक सुनाइए, रामायण से कोई चौपाई सुनाइए। आप डिस्टर्ब नहीं, आपको चौपाई आ रही है कि नहीं आ रही आप ये बताएं। चौपाई नहीं आ रही, आप इतना आशीर्वाद क्यों बांट रहे हैं फिर? हमारे भगवान का, हमारे ग्रंथ का नाम बताइए। अगर आप हमको कुछ दे रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, गलत तरीके से लेना, वो आप कहीं बैठ के पूजा पाठ कर लेते। आप किस पंथ से हैं, किस पंथ से बताइए? हनुमान चालीसा आता है महाराज जी? हम लोग घरेलू जोगी हैं। तो क्या जोगी को क्या हनुमान चालीसा नहीं आता है? हम लोग जैसे ये पारिवारिक संसार में क्या हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा जाता है महाराज जी? बहुत से पढ़ते हैं, हम लोग बाल बच्चेदार हैं भैया। हम ये कह रहे हैं कि खाने वाले, हम ये कह रहे हैं मांगने खाने वालों को आशीर्वाद तो आप ऐसे दे रहे हैं जैसे लग रहा है कि आपके झोले में कुछ बड़ा पड़ा हुआ। नहीं नहीं मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन, मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही एक बच्चा आया था, बोले बजरंग बली का आशीर्वाद हो गया है, 12-13 साल का था। लाओ बच्चा टीका लगाओ। मैं बोला कि ये आप कहीं जाके मंदिर में पूजा करके लीजिए ना 4 पैसा। आप आओ बेटा, आओ बच्चा कर रहे हो, हमसे आधे उम्र के हो और हमारे ही सनातन का आपने चोला पहन के और हमें ही बेवकूफ बनाने निकल गए। नहीं तो आप ये बताए, कोई श्लोक नहीं आता महाराज जी आपको? हिंदू है ना, हिंदू है कि नहीं है? मुझे कोई कष्ट नहीं महाराज जी, आपको जवाब देना पड़ेगा, आप हिंदू हैं या नहीं है? क्योंकि ऐसे ही 2-4 लोगों का ग्रुप है, वो एक जगह गाड़ी से उतारे जाते हैं और गांव उनको डिसाइड कर दिया। 5 गांव तू देख लिया, 3 गांव हम देख ले, 4 गांव फिर साझी को वही बाजारे में मिलल जाये, फिर टप से इक्वल पगड़ी उगड़ी वही में झोरा में रखा ला और वो दूसरा कपड़ा पहने निकल जाए। मैं कह रहा हूं कि आपने ये सनातन का अगर चोला पहन लिया, बुरा मत माने, तो एक तो कम से कम श्लोक आना चाहिए। शंकर भगवान का कोई एक छोटा सा मंत्र बता दीजिए, बताए महाराज जी? नहीं आता है भैया? हम लोग हम ये कह रहे हैं, नहीं हम पैना पे भी फोन लगा देंगे, पैना में भी हमारे 4-6 लोग हैं, अभी हम पैना लगा देंगे। ठकुरैया है, हम छत्री कुल से, ठीक है, हमने आपको दक्षिणा देने में कोई कमी नहीं किया, आपने हाथ फैला के मांगा, हमने दक्षिणा देने में कोई कमी नहीं, लेकिन जो आप आशीर्वाद जिस तरीके से दिए तो हमें हाँ, अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप भिखारी बन के भी मांग सकते हैं, जरूरी नहीं कि सनातनी चोला पहने। आप मत पहने महाराज जी, मत बदनाम करिए, हाँ मत बदनाम करिए, मांगने का और भी तरीका, मांगने का और तरीका है। आज के बाद हम भैया चोला उतर जाए, नहीं मांगने का और तरीका है, आप ऐसे पैदल भी बेटा परिवार चलाने के लिए जरा दे दो, बुढ़ा हो गया हूँ, वृद्ध हो गया हूँ, आप कह रहे हैं मंदिर पे रहते हैं तो मंदिर पे क्या कमी है, लेकिन मंदिर पे रहने वाला पुजारी भी तो उसको 2-4 मंत्र आता है, हाँ? आरती को एक बोल दीजिए महाराज जी, अगर मंत्र उस पे रहते हैं तो। निजी ठाकुर भैया से वादा करते हैं कि चोला शाम से चले, नहीं मैं आज के बाद नहीं चलेगा, नहीं इसलिए कि इसे काम ठीक नहीं है, नहीं काम अब ठीक है। आपके बच्चे आपके पास आधार कार्ड है महाराज जी? नहीं आधार कार्ड नहीं। कोई कार्ड नहीं, कोई कार्ड नहीं। बच्चे का नाम बताइए, डिस्टर्ब करो भैया। पहले पहले मैंने ये कहा कि नहीं मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, नहीं परेशान कर, पूछना मेरा काम है, क्योंकि आप मेरे सनातन को ना पूरी तरीके से बदनाम कर रहे हैं। आप किस धर्म से हैं ये बता दीजिए, वो उतारें या मत उतारें हमारा वो अधिकार नहीं है, लेकिन आप हमारे सनातन को बदनाम करेंगे हम आपको पूछेंगे, क्योंकि दुनिया जागरूक है। अगर हम 10 रुपया आपको देना जानते हैं तो आपके बारे में जानना भी जानते हैं। जब रुद्रपुर का दुधेश्वरनाथ मंदिर, जहाँ के हमारे कुलगुरु हैं, नाम नहीं लिया जाता फिर भी मैं ले रहा हूँ, रमाशंकर भारती, आप कह रहे हैं हम देवरिया के हैं और पैना गांव के हैं, आप पैना गांव और देवरिया का रुद्रपुर कितनी दूरी है, कितनी दूरी है? मैं बताता हूँ, तो झूठ तो आप देवरिया से भी नहीं है इसका मतलब,
ना, देवरिया से नहीं है ना, कहाँ से है आप सही बताइए। देवरिया से करेंगे। तो आपने देवरिया कहा, मुस्लिम है आप? साई है, गोसाई नहीं है, साई है ना। आवाज से छिपाना ठीक नहीं है ना, पेड़ की तरह से झूठ बोलना पड़ता है। ये है कि आज के बाद ये आपकी बात भैया हमको जम गई, ये काम ठीक नहीं, जम नहीं गई। मैं चाहूँ आपको पुलिस बुलाऊं और आपको अरेस्ट भेज दूं। कितने लोग आप लोग, कितने लोग निकले महाराज? भैया हम अकेले, हम लोग का गाँव है यही पर। बैठिए, हम लोग का गाँव है। कहाँ गाँव है ये? मादी सिपा। फिर गड़बड़ आप जा रहे हैं, आप दोहरी घाट कह रहे हैं, फिर मादी सिपा चले आए। दोहरी घाट नहीं, मादी सिपा नहीं दिख रहे हैं। मादी सिपा सटा कहाँ भाई आप? हाँ ठीक है, वही कम रहने, हम लोग गांव है। गांव है तो ये घर से निकलते हैं, फिर कितनी दूरी पे आके ये हिंदू धर्म का सब पहन लिए? साई तो मुस्लिम में आता है महाराज, सलमान में आता है ना। तो ये पुरानी जिसे कई सालों से यही परंपरा है लोग अपना, आपके गांव की? हाँ, गांव का नाम बताइए सीधा। अतरसावा। अतरसावा, आपका शुद्ध नाम बताइए। नसीर अहमद। नसीर अहमद, और आप ही? आप छिपाना ठीक नहीं आते हैं। नहीं तो हम लोग यही पुरानी परंपरा है अपना लोग। नहीं, जिस तरीके से आप हमारे देवी देव, कभी पूजा किया है आपने नसीर अहमद जी? कभी पूजा किया है? पूजा मतलब कि जैसे अब हम सरंगी बजाते नहीं, पेट के लिए थोड़ा सरंगी आपको बजाने भी नहीं देंगे अगर आप नसीर अहमद नाम